अपना पाग आपको खुश रखे, अपार रखे, जहाँ रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। आमीन। सुबह आमीन। इस बहुत ही प्यारे से दुआ के साथ करते आज की रेसिपी का आगाज। आज की इंक्लूसिव में जो रेसिपी शेयर की गई है बहुत मजेदार सा कराची का मशहूर तरीन हमने बनाया है आतिशी कीमा, जो कि बहुत आसान सा बन जाता है। बहुत इजी सी रेसिपी है और इंग्रेडिएंट आपके घर में ही मौजूद है, आप इजीली इसको बना सकते हैं, पराठों के साथ एंजॉय करें चाहे खमीरी रोटी के साथ। चलते हैं मजेदार सा आतिशी कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंजॉय करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कराची का मशहूर तरीन आतिशी कीमा बनाने जा रहे हैं हम। वो बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई ले लिए, उसमें डाल देंगे हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल। मीडियम साइज की मैंने प्याज ली थी, उनको काट लिया था। तेल गरम हो जाए तो हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आतिशी कीमा है तो थोड़ी प्याज हमने इसके अंदर ज्यादा डाली है। चेंज हो गया, 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर गरम मसाले का डाल देंगे, मिक्स गरम मसाला साबुत, जिसमें सारी चीजें होती हैं, जीरा, इलायची, लौंग वगैरह सब। ये डाल के हल्का सा ऐसे कड़कड़ाने देते हैं। और अब इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। जी मैंने बीफ का कीमा लिया था, आप चाहो तो मटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बीफ के कीमे में बनाया जाता है। ये पूरा कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे, हड्डी भी है कीमे के अंदर आप देख सकते हैं। ये देखिए, टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर का, पिसी भी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डाल दें, सॉल्ट जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें डाल के इसको अच्छे से भून लेते हैं। चले, इसको अच्छे से हमने भून लिया है। अब भून लेने के बाद मैंने 3 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था, ये देख लीजिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट डाल देने के बाद अब हम इसको लिड लगा के रख देते हैं कि कीमा हमारा जबरदस्त सा कुक हो जाए 15-16 मिनट्स के लिए, या जब तक आपका कीमा अच्छे से गल नहीं जाता आपने इसे कुक करना है। चले अब हम आपसे मिलते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हमारे आतिशी कीमे को पकते हुए, 15 से 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे आतिशी कीमे को पकते हुए। इसका मेन काम होता है हल्की आंच पे बस इसको रख दें और ये पकता रहेगा, बड़ा मजेदार सा बन जाता है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चे इस तरह काट कर, और छोटी सी मैंने एक अदरक ली थी वो भी डाल दिए। अब हम इसको हल्की आंच पे दोबारा से रख देंगे दम पर, और फिर हमारा कीमा हो जाएगा तैयार। देख लिया था मजेदार सा हमारा आतिशी कीमा तैयार हो चुका है। जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो जरूर पता होगा ये आतिशी कीमे के बारे में। इसका सबसे ज्यादा मेन प्रोसेस जो है वो है सिर्फ इसको कुक करना हल्की आंच पे। और ये देखिए हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी रहेगी इस तरह करके, ये देख लें आप, और थोड़ा थोड़ा ड्राई रहेगा इस तरह करके, बड़ा मजेदार सा ये बनता है। गर्मा गर्म खमीरी रोटी के साथ इसको सर्व करिए। चलें आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।